हाँ जी बाबा, जैसे ब्रह्मा और शंकर के द्वारा तो प्रजा पिता के द्वारा सम्मुख पढ़ाई चल रहा है, वैसे विष्णु के द्वारा सम्मुख पढ़ाई चलेगा क्या? पढ़ाई पढ़ाने वाला एक है या दो हैं? एक है। पढ़ाई पढ़ाने वाला एक है। विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म होगा क्या? प्रैक्टिकल कर्म बाप ही नई नई बातें बताते हैं पढ़ाई में, और कोई मनुष्य मात्र नई नई बातें नहीं बताता है। बाप नई दुनिया बनाते ही है नई बातें बता करके, और नई बातों की ही पढ़ाई है। शास्त्रों की तो पुरानी बातें 63 जन्म से सुनते चले आए, और पुरानी बातें सुनते सुनते दुनिया पुरानी हो जाती है। इसलिए बोला वो सब है पानी की गंगाएं। पानी को मथने से कोई नई चीज नहीं निकलती है, लेकिन ज्ञान सागर को मथने से नए नए रतन निकलते हैं। बाप की वाणी ही नई बात सुनाती है। बाकी विष्णु को तो भुजाओं के रूप में मददगार दिखाया है, रावण को अनेक मुख दिखाते हैं और विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं। क्या मतलब? विष्णु मददगार है इसलिए भुजाएं दिखाते हैं। और हाँ जी महाभारत की लड़ाई में वहाँ इस तरफ पांडव थे 5 और पांडव तरफ से 18 क्षण थे आए। हाँ जी 18 क्षण मतलब कितने है? 18 क्षण मतलब कितने भारत 18 अक्षौणी माने 500-600 करोड़ है? सारी दुनिया। कौरव भी थे, यादव भी थे। यादव विदेशी थे या स्वदेशी थे? विदेशी थे। समंदर में द्वारिका दिखाई है, जो मोर है वो 3 बार उसी उड़ान उठती है, उसकी चौथी बार उड़ान नहीं उड़ नहीं सकते। हाँ जी, तो अगर बात अपने बोला है तो यही बोला बोला महान चिंतन करो। मोर पंख की जो निशानी है वो किसको दिखाई जाती है? कृष्ण को दिखाई जाती है। अपने सर के ऊपर मोर का पंख धारण किया। पूंछ का मतलब क्या होता है? देवान तो है, लेकिन देवान भी मयूर की निशानी है। साधारण पूंछ नहीं है, बहुत शोभनीक पूंछ है, और उसको अपने मस्तक में धारण किया हुआ है। और कोई पक्षी ऐसा नहीं होता जिसकी इतनी सुंदर पूंछ हो और इतना सुंदर नृत्य हो। ये ज्ञान डांस की बात है। और उड़ान भरता है तो 3 ही उड़ान भरता है। कब की बात है? कब से ये 3 उड़ानें शुरू होती है? 76 से पहली उड़ान, 88-89 में दूसरी उड़ान, 3 युगी क्षत्रिय वर्ण की, और नाइन्टी एट में
नहीं, 76 में पहली उड़ान 88-89 में पूरी होती है, 88-89 में दूसरी उड़ान शुरू होती है और 89 में पूरी होती है और तीसरी उड़ान उड़ता है कलयुग की शूटिंग की। और तीसरी उड़ान भरने के बाद मोर को चौथी उड़ान भरते हुए नहीं दिखाया जाता। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दिया, चौथी बार के लिए नहीं कहते। इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरी बार वो आत्मा अपनी उड़ान में सफल हो जाती है। कौन सी उड़ान है? देह अभिमानी की पूंछ में वो देहभान नहीं रहता, सुंदरता आ जाती है। ऐसी सुंदरता आ जाती है जो और कोई पक्षी में नहीं देखने में आती। इसलिए भारत में, भारत का नेशनल वर्ड मोर माना जाता है। अच्छी उड़ान भरता है। ऊंची उड़ान का मतलब ये है कि देह भान के बगैर काम विकार नहीं होता है और काम विकार भी जो है वो सात्विक होता है, सतो प्रधान होता है, रजो प्रधान होता है और तमो प्रधान भी होता है। कृष्ण को जो पूंछ दिखाई गई है वो सतो प्रधानता की निशानी है। कोई भी आत्मा दुख का अनुभव नहीं कर सकती, नहीं तो इसको मुख्य काम विकार कहा जाता है। विकार वे माने विपरीत कार्य। विपरीत माने क्या? कीमत है सुख देने की, सुख दो और सुख लो, परंतु देवान में आकर के मनुष्य काम विकार में ऐसा अंधा हो जाता है कि सुख दुख का ख्याल ही बुद्धि में से निकल जाता है। देवान चरम सीमा पर पहुंच जाता है, इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती। या दूसरे शब्दों में कहें काम विकार में अंधा हो जाता है। वो बात कृष्ण में नहीं होती है, इसलिए ये उंगली उठाते हैं विदेशी, ये कृष्ण के पीछे 16,108 कहां से भागने लगी? क्या जवाब है? है? जवाब है ब्रह्मा के पीछे क्यों नहीं 16,000 हो गई? है तो वही कृष्ण की सोल। और उसमें भी मुरली में बताया, ये दादा लेखराज की कहानी नहीं है जो इतनी भाग खड़ी हुई। किसकी कहानी है? प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी। बाद में लकब अपने ऊपर ले लिया, नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय।
परंतु लकब लेने वाले वो धोबी घाट की गहराई को नहीं समझ सके। अरे बैलपना छोड़ दो तो तुम्हारे पीछे भी भागेंगे। सींग मारना बंद करो। बाप कहते हैं विकार भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। द्वापर के आदमी विकार भी कैसी स्टेज में थे? सात्विक स्टेज में थे। अभी कलयुग के अंत में मनुष्य विकारी ऐसे बन पड़े हैं, ऐसे कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं, अगर काम की आस पूरी न हो तो जान से भी मार देते हैं। तो कहां कृष्ण का पूंछ और कहां जानवरों का पूंछ? पूंछ पूंछ में अंतर जरूर है, इसलिए मोर पंख का गायन है। लेकिन बाबा तो चौथी बार पकड़ में आ जाते हैं, चौथी बार लास्ट में पकड़ में आ जाते हैं। लास्ट में ऐसे मतलब क्या शंकर ब्रह्मा के सारे में जाते भय तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो जो सवारी दिखाने वाली बात है, किसके ऊपर सवार होने की बात है और कौन सवार होता है? बैल कौन है? बैल के रूप में ब्रह्मा को दिखाया हुआ है। शिव के मंदिर में नाली के किनारे दिखाते हैं। संगम युगी कृष्ण का पार्ट अलग है और सतयुगी कृष्ण का पार्ट अलग है। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होता है बच्चे के रूप में, वो पुरुषार्थ कहाँ से लेकर के आया? कौन से समय का पुरुषार्थ है? हैं? सन 68 तक के पुरुषार्थ की निशानी है। नहीं तो कृष्ण वाली आत्मा भी वाइब्रेशन से बच्चे पैदा करने वाली शक्तिशाली बन जाए, वो नहीं बनती है। संगमयुगी कृष्ण ये बाप का पार्ट, सतयुगी कृष्ण बच्चे का पार्ट। तो तीन उड़ाने जो भरी हुई दिखाई गई है वो बाप की बात है। तीन उड़ाने पूरी होती है और छलांग लगा करके शंकर बैल पर सवार हो जाता है। और जो सुखो बतन रहती है, जो सुखो बतन में रहते हैं उसको ध्यान सुनने की जरूरत नहीं। तो ऐसे तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतन में बसी है, तो सूक्ष्म बतन में होता है तब ज्ञान नहीं सुनता है। जब सूक्ष्म बतन से साकार शरीर में प्रवेश करता है तो उसको फरिश्ता कहेंगे। यह शरीर में प्रवेश कर गया तो शरीर से आकर्षित हो गया है, आकर्षित हो गया। कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है? जो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करें, ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश न करें, रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश न करें, तब तक उनको ज्ञान नहीं मिल सकता। उनकी गति सदगति हो ही नहीं सकती।
तुम बच्चे निमित्त बने हो इन आत्माओं का भी उद्धार करने के लिए। और जो संगम जी की कृष्ण हो तो 69 में जन्म है, तो संगम जी की जो राधा होगा उसको 69 में क्या संगम जी की जो कृष्ण होगा वो तो 69 में जन्म है, तो संगम जी की राधा संगम जी कृष्ण 69 में ज्ञान में आया, वो कृष्ण था उस समय राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं दादा लेखराज, टाइटलधारी ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है तो राम वाली आत्मा दोबारा आ जाती है। बनने वाली जो आत्मा है, है मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद आ जाती है। हाँ जी, तो ऐसे भी जो संगम जी कृष्ण द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष होगा, इसीलिए संगम जी राधा जो होगा उसको पहले 3-4 साल पहले एडवांस ज्ञान सुनना चाहिए, प्रत्यक्ष सुनना चाहिए। जो विजय माला है प्रैक्टिकल काम करने वाली, और रुद्रमाला है सिर्फ समझने समझाने और बोल बोल करने वाली, प्रैक्टिकल धारणा करने वाली नहीं है। तो पहले प्रत्यक्ष कौन होगा? पहले जो करने वाली, जो धारण करने वाला होगा वही प्रत्यक्ष होगा ना। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। इन लगनों को अंधों का आधार लेना पड़ेगा। लंगड़े लंगड़ी का आधार लें तो कुछ नहीं होने वाला है। और एक तरफ बोल रहे कि नॉट नारायण बनना है, एक तरफ बोल रहे ये, दूसरी तरफ बोल रहे वो, विरोधाभास बहुत है भगवान की बाणी में। एक तरफ बोलता है कि बाप समान बनना है, कोई बोलता है तुम बच्चे को नर से नारायण बनना है। माने जो नारायण है वो सृष्टि का बीज नहीं है, और बीज को बाप नहीं कहा जाता है। जो नारायण है नर से नारायण बनने वाला वो सारी सृष्टि का बीज नहीं है, और बीज है तो सारी सृष्टि का बाप नहीं है। फिर विरोधाभास क्यों नजर आता है? बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बोल दिया, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, सत्युग के नारायण को नहीं, जो नर से नारायण बनता है उसको याद करना। ये बात किसके लिए बुला गया ना, हम सब बच्चे? अच्छा, सबको याद करना है, बनना है, हम सभी बच्चे बनेंगे। आज जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बनेंगे ना। एक जैसा पद सबका बन जाएगा क्या? सबकी एक जैसी पढ़ाई होती है क्या? और बाबा जो 16,000 जो दो गोपियां है, तो 16,000 दो गोपी का अंदर जो 1,000 ब्रह्मा का जो आत्मा है वो 16,000 का अंदर होगा क्या? ना पाया जो सहयोगी विशेष बनेंगे, तन से भी सहयोगी बनेंगे, धन से भी सहयोगी बनेंगे, कोई मन के शुद्ध संकल्पों से सहयोगी बनेंगे वो सहयोगी नहीं कहे जाएंगे। लेकिन बाबा जो 1,000 भुजा जो 1,000 भुजा जो गंगा का आत्मा है उसके बोला है वो स्तन से और धन से 100 से ज्यादा देगा। मन से नहीं देंगे, मन से ज्यादातर कौन से धन से देंगे? ज्यादा शक्तिशाली पावर कौन सी है, तन की पावर, धन की पावर या मनोबल की पावर? अगर मन एकाग्र हो जाए तो। लेकिन अब धन जहाँ जाएगा, धन जाएगा वहाँ तो मन तो जाएगा ना। तन जाएगा, धन भी जाएगा, तो मनोबल कैसा हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। ज्ञान में आने के बाद जिसने जितनी जल्दी तन स्वाहा कर दिया तुरंत दान महाकल्याण, और जितनी जल्दी अपना धन स्वाहा कर दिया तुरंत दान महाकल्याण, उतनी जल्दी उसका मन पावरफुल
हो जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो बाबा तो 16,000 जो आत्मा है वो तो कौन से सिलेंडर व ढोल से सिलेंडर तो समुद्री कृष्ण प्रत्यक्ष होने पहले ना बाद में है ये समुद्री कृष्ण प्रत्यक्ष होने के बाद में जो संगमी की कृष्ण है आत्मा के बाद है ना पहले कुछ होना चाहिए। अरे पहले पहला नंबर प्रत्यक्ष होगा कि पहले 16,000वां नंबर प्रत्यक्ष होगा? कौन से धन से जो बाद है लास्ट में तो सभी लोग तो कौन से सिलेंडर हो जाएंगे ना। तुम बच्चे हो गुप्त पांडव, तुम्हारा दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त है। अभी कोई किसी का नहीं जानता किसने कितना कब लगाया। लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा तो सब का पता पड़ जाएगा। अब शुरू हो रहा है। अभी अभी 8 और 3 के नंबर डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे तो फिर अगर रुद्रमला विजयमला नजदीक आएंगे ना। यहाँ सारी बेहद की बात है या देवान की बात है? देवान की बात है। हम बोल रहे हैं कि रुद्रमला यहाँ देह के नजदीक आने वाली बातें हैं या मन बुद्धि से दिल मिलने की बात है? दिल से दिल को राहत होती है क्या? ऐसे बोला तन से तन को राहत होती है? नहीं, दिल मिला सब कुछ मिला। तन से तन मिल जाए तो हद की बातें हैं दुनिया की। बात नहीं, मतलब रुद्रमला को विजयमला से सहयोग मिलेगा सिक्योरिटी का तो दूसरे मिल जाएगा, मतलब वाइब्रेशन से मिल जाएगा। इसी पपीते का मिसाल कैसा है? ये मन बुद्धि के अंदर ये पहचान की बात है। ये ज्ञान की गहराई की बात है, प्रत्यक्ष होने की बात है कि वो विजयमाला के युगल मण के कौन कौन बनेंगे, किस नंबर से बनेंगे। अंदर से बुद्धि में पहचान हो जाएगी, पक्का विश्वास हो जाएगा तो वाइब्रेशन स्वतः ही आता जाता रहेगा। हाँ जी बाबा, जो नष्टदेव के 3 आत्मा नष्टदेव जो अभी तो डिक्लेयर हुआ, लेकिन पहले हम लोग पीड़िता चित्र में धन्य था कि जो इस्लाम और बौद्ध या क्रिश्चन 3 धर्मों का बीच जो बताया था तो उसको फिर नष्टदेव में भी डाल दिया। तो फिर कौन कौन बने माने पार्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए। नहीं, नहीं, उनको तो 3 धर्मों का मुखिया बोला था ना। जो काम करे तो पार्ट ले ले, स्थापना का काम भी जरूरी है, पालना का काम भी जरूरी है और विनाश का काम भी जरूरी है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। तो बाबा विष्णु का तरह जब पालना होगी तो उसके रिश्ते क्या होगा ना बाबा बच्चे। प्योरिटी भाषा में, प्योरिटी दृष्टि में, प्योरिटी वृत्ति में, प्योरिटी कर्म इंद्रियों में, प्योरिटी विचार का नाम निशान नहीं। इसलिए मुखिया का नाम पड़ता है विष्णु, नो विषयताल। सारे जगत का कल्याण करें, सारे जगत को जन्म देने के निमित्त बने, सारे जगत को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के भरसे देने के निमित्त बने तो जगदप्पा जगदम्बा।
अगर निमित्त नहीं बनते हैं तो जगदप्पा काय के और जगदम्बा काय की, सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति के रूप में पालना देने के लिए मुख्य पार्ट किसका है, जो माँ के रूप में पहले चलता है, वो तो बीज डालने की बात है, वो कोई को पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे जिसको पहचानते हैं वो कौन है, माँ है। और ब्रह्मा ने जितना सहन शक्ति का पार्ट बजाया उतना सहन शक्ति का पार्ट और कोई नहीं बजा सकता, इसलिए ब्रह्मा की आत्मा ही वास्तव में जगदम्बा है। कोई डब्बे को जगदम्बा समझ ले वो ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल की जगह पर जो कार्यवाहक प्रिंसिपल बैठाया जाता है वो ज्यादा अच्छा काम करके दिखा देता है, होता है या नहीं होता है? ऐसे ही इस यज्ञ में भी होता है। यज्ञ के आदि में जो माता थी तो ओरिजिनल वही माता, क्योंकि शरीर के ऊपर ही जगदम्बा नाम पड़ता है। दाढ़ी मूछ वाला है तो जगदम्बा कैसे कही जाएगी? परंतु कार्य किसने किया? शास्त्रों में जो भी नाम है, ब्रह्मा है या जगदम्बा है, वो काम के आधार पर नाम है या ऐसे ही नाम पड़ गए? काम के आधार पर नाम है। तो बड़ी माँ सस्ती की जो बड़ी सी बड़ी माँ है, उस बड़ी माँ के रूप में ज्यादा से ज्यादा सहनशीलता का पाठ इस सस्ती रूपी रंगमंच पर मनुष्य सस्ती के लिए किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। टाइटल उनको पहले मिला था ब्रह्मा का, लेकिन उसे टाइटल को उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। टाइटल लारी नहीं रहा, ओरिजिनल ब्रह्मा बन गया। और वो ही ब्रह्मा जब तक दाढ़ी मूछ वाला है तो जगदम्बा नहीं कहा जा सकता, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया गया। जैसे ही शरीर छोड़ा तो किसके द्वारा पार्ट बजाता है? जगदम्बा के द्वारा पार्ट बजाता है। तो वो जगदम्बा माने वो हो गई हीरोइन और वो हो गया हीरो। जैसे बाप परिवार में कोई बाप हीरो का पार्ट बजाए और बच्चा हीरोइन का पार्ट बजाए तो चलेगा या नहीं चलेगा? है? नहीं चलेगा। अरे चला है प्रैक्टिकल में, चलेगा क्यों नहीं? वो बाप है, रचयिता है, वो पहला पत्ता है, रचना है, फर्स्ट क्लास रचना, तो पार्ट चला ना। ये अर्धनारीश्वर का पार्ट है, वो जगत पिता और वो जगत माता, आधा अंग पुरुष का पिता का और आधा अंग माता का। बिना माता के परिवार नहीं चलता है, ऐसे नहीं है कि माता नहीं है तब परिवार की पालना हो रही है, नहीं, माता भी है और पिता भी है तो परिवार की पालना हो रही है, परिवार वृद्धि को पा रहा है और पाता रहेगा। और सरस्वती बेसिक में इसका नाम रखता है जगदम्बा सरस्वती, तो बेसिक में तो जगदम्बा इसलिए नाम रखा गया
के ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले थे, पुरुष थे, वृद्ध तन था, कन्याओं माताओं की पीड़ा को ब्रह्मा नहीं समझ सकते थे, उनकी संभाल करने के लिए ओमर आदि को निमित्त बनाया। तो क्यों वो छोटो मामी के क्यों कहते इसको ओमर आदि सरस्वती, वो तो छोटो मामी में सदस्य करती है ना। हाँ वो तो जगदम्बा जो असली बात तो ब्रह्मा का होता है, छोटो मामी उससे प्रवेश नहीं करते, जगदम्बा में प्रवेश नहीं करते, छोटी मम्मी में ही प्रवेश करेगी, बड़ी अम्मा में प्रवेश करेगी, ये क्या बात हो गई। तो आखिर सरस्वती का पाठ किसका होगा, सरस्वती का पाठ जगदम्बा, जो भी जगदम्बा है वही सरस्वती जगदम्बा कही जाती है। जगदम्बा की सरस्वती की छोटी सी मूर्ति बना करके विश्वविद्यालय में गेट के ऊपर छोटे से ताक में रख देते हैं, छोटा सा मंदिर बना करके जगदम्बा की मूर्ति रखते हैं, वो सरस्वती ही जगदम्बा है। सतो प्रधान है तो सरस्वती है, जगत की अम्मा बनती है, क्योंकि दुर्गा का पाठ बजाती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली है, फिर अंत में काली का पाठ बजाती है, तामसी बनती है। तो ओमराधे सरस्वती का तो प्रवेश नहीं होती है, ओमराधे सरस्वती ही तो देवी है, देवी एक ही है अव्वल नंबर की, और अव्वल नंबर का देवता भी एक ही है, कृष्ण अव्वल नंबर का देवता है, उसमें दैवीय गुण है, अभी भी गुलजार दादी में वाणी चलाता है तो दिव्य गुणों की धारणा की वाणी होती है या ज्ञान की वाणी होती है, देवता होगा तो दिव्य गुण ही सिखाएगा, देवी होगी तो दिव्यता ही सिखाएगी, मुख्य देवीता है प्योरिटी की। बाबा खुद को रूम में ब्रह्मा दादा लिख रहा है और स्कूल में जगदम्बा, ऐसे कह सकते हैं ना, ये स्कूल में जगदम्बा, स्कूल में मैंने फ्री। हाँ जी ये शरीर है डब्बा, और इस डब्बे को चलाने वाली आत्मा, आत्मा है ब्रह्मा की, और डब्बा हुआ यज्ञ के आदि में जो माता थी उसका, वही दोबारा जन्म लेकर के डब्बा बनती है। बाबा जो आत्मदेव है वो लास्ट धर्म में जाकर के जो धर्म से कनेक्टेड है वो धर्म में जीतते हैं। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे कोई कोई जो आत्मदेव है जो संबंध में दो तीन बार धर्म भी लेते हैं, तो लास्ट धर्म किसके कहेंगे, किराती जन्म हो ना गिराती है जन्म, जो तीन जन्म ले लेते हैं समुद्र में तो लास्ट जन्म कैसे कहेंगे, तो समुद्र खास के ज्ञान में आते हैं, ये कैसे पता कि उन्होंने तीन जन्म ही लिया, लेकिन लेकिन इसका भी उम्र देते हैं तो बहुत कम है ना, तो कम है तो बीच में तो खास आदि में था, उससे पहले वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं रहे, अभी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं प्रैक्टिकल जीवन में वो अभी वहाँ से उठ करके यहाँ एडवांस में नहीं आ रहे, शरीर रहते रहते भी आ रहे तो शरीर छोड़ करके नहीं आ सकते, आ सकते हैं, उनमें कोई ऐसे भी हैं जो बेसिक में इस जन्म में उन्होंने नॉलेज नहीं ली, डायरेक्ट आ गए, तो इसका मतलब क्या वो बेसिक पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी, पढ़ी पिछले जन्म में पढ़ी, कोई जरूरी नहीं है कि तीन जन्म उनके ही बताए हैं, बताया कोई कोई आत्माएं ब्राह्मण धर्म में ऐसी भी हैं जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म नहीं होते हैं तो उनको शरीर छोड़ना पड़ता है।
जो लास्ट जन्म था ले, तो लास्ट जन्म मुझे बोलते लास्ट जन्म जॉब 76 की एक बात पक्की करें कि अष्टदेव जो हैं वो असल सूर्यवंशी हैं और जो असल सूर्यवंशी हैं उनकी ज्ञान की रफ्तार और याद की रफ्तार और सेवा की रफ्तार तीखी होगी या मध्यम और नीच होगी, तीखी होगी। जो तीव्र ज्ञान की रफ्तार वाले होंगे वो भक्ति मार्ग के कर्म कांडों में रत हो करके शरीर छोड़ने वाले क्यों बने? दो जन्म हो सकते हैं, जैसे राम वाली आत्मा के दो जन्म होते हैं, क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था। तो अष्टदेवों के लिए भी ये कह सकते हैं कि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए शरीर छोड़ दिया। दोबारा जन्म लेते हैं तो बाप का डायरेक्ट ज्ञान मिलता है। लेकिन जब दादियों पे क्लियर पहले किया तो पहले उसका दादियों पे क्लियर किया उस टाइम में उनका तो दादियों से तो बहुत ज्यादा होगा। क्या हुआ तो सबसे अभी सबसे लेकर के अभी तक है उनका जीवन जो है वो लौकिक जीवन नहीं हो सकता। बीच में राम वाली आत्मा 40-42 से लेकर के और 68 तक लौकिक जीवन में नहीं रह सकती। रह सकती है ना, तो ऐसी कोई भी आत्मा रह सकती है। और सुप्रीम सोल सर्वव्यापी है या एक व्यापी बन के संसार में प्रत्यक्ष होता है? फिर काय के लिए सर्वव्यापी बना रहे? ज्योतिर्लिंगम जो बताए हैं वो वास्तव में ज्योतिर्मय जो भी आत्मा बनती है अव्वल नंबर वो बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करते हैं, मैं नहीं सब में प्रवेश करता हूँ। शिव का प्रवेश बहुतों में साबित नहीं होता बाप के रूप में। और रुद्रलाम माला के मणकों में जो रुद्राक्ष मणके होते हैं, कोई कोई 14-14 मुख वाले भी होते हैं जिनमें ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं। इस्लामी भी प्रवेश कर जाएंगे, क्रिश्चियन भी प्रवेश कर जाएंगे, बौद्ध भी प्रवेश कर जाएंगे, आर्य समाज भी प्रवेश कर जाएंगे। हैं? हाँ जी, बाबा ब्रह्मा धारणा का राजा धर्मराज बनते हैं, ठीक है, तो धर्मराज बनने का वो संपूर्ण बनने का बाद ही तो धर्मराज पकड़ बजाएगा और का पहले बजाएगा तो क्या तुम क्या समझते हैं अभी धर्मराज का पाठ चल रहा है? नहीं, अभी ऐसे सुना कि जगदम्बा आने का बाद वो ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा के अंदर में प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाएगा। अभी नहीं प्रवेश कर रही है? अभी कर रही है, अभी कर रही है, अभी शुरू नहीं हुआ था। हाँ, और उमराधे का फूल और छोटी मामी के अंदर में अभी प्रवेश करके तो पाठ बजा रहा है। तो मैदान में जब प्रत्यक्ष हो, प्रैक्टिकल दिखाई पड़े तभी तो लोग मानेंगे, बिना प्रूफ और प्रमाण के कैसे कहा जाए? प्रूफ नहीं भले, लेकिन अभी पाठ तो बजा रहे हैं। प्रूफ भले नहीं अभी, लेकिन पाठ तो बजा रहे हैं। माना मम्मी बाबा ब्रह्मा सरस्वती और ओम राधे वो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है, हैं? तो प्रवेश करके कहीं न कहीं तो पाठ बजाएंगे ना। और बाबा ऑर्फन किसको कहा जाता है? ऑर्फन 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 आर्फन कहा जाता है जिसका कोई धनी डोरी संभालने वाला न हो। ऐसे बच्चे जिनका कोई धनी डोरी नहीं है
जैसे वो तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परिवार तो है लेकिन उस परिवार में धनी धोरी कोई एक एक धनी धोरी नहीं है, तो क्या कहेंगे? आर्सन। कमला कमला गौ नाम बोला होगा तो कमल ही होगी। कमल फूल के ऊपर आसन जिसका दिखाया जाता है उसी का तो नाम कमला होता है, है? कमल फूल माना नहीं, जो कमल फूल का आसन का मतलब है कीचड़ की दुनिया में जीवन कहाँ बिता रही है, कीचड़ की दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि कहाँ लगी हुई है, ज्ञान की दुनिया में। इसलिए महाकाली के मस्तक में भी चंद्रमा दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। विष्णु को वो विष्णु बनता ही तब है जब लक्ष्मी और महालक्ष्मी जगदम्बा और पार्वती लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, इसलिए जगदम्बा का आसन लक्ष्मी को भी दिखाते हैं। बाकी लक्ष्मी को कीचड़ में जीवन बिताने की दरकार नहीं है। कमला गौ कैसे चोरी हो जाती है? कमला गौ कैसे, सीता कैसे चोरी हो जाती है? जैसे सीता चोरी हो जाती है वैसे कमला गौ चोरी हो जाती है। जैसे आज मुरली में बोला हुआ है कि घर घर में वैश्यालय है, तो घर घर में वैश्याएं कैसे हो जाती हैं? चोरी हुई तभी तो हो जाती है बिना चोरी के। अरे कोई ने चोरी डकैती डाली है तभी तो हो जाती है वैश्याएं, नहीं तो घर घर में वैश्याएं कैसे हो जाएंगी? नहीं समझ में आ रहा। ज्ञान में होना अच्छा नहीं? ज्ञान में होना अच्छा नहीं? ज्ञान में होना अच्छा क्यों नहीं है? ज्ञान में होना ही अच्छा है। दुनिया के लिए बात बोला गया है? तो बात तो दुनिया के लिए बोला गया। अच्छा, ये बात दुनिया के लिए बोला गया है, माने राम की सीता नहीं चुराई गई है? राम राजा था क्या? अरे राम राजा था या राम प्रजा वर्ग में रह करके पुरुषार्थ कर रहा था? प्रजा वर्ग में रह के पुरुषार्थ करता था। तो जो प्रजा वर्ग है आजकल दुनिया में उनकी हालत क्या है, है? अच्छी हालत है क्या? अरे आज तो मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, मिनिस्टरों की भी कन्या किडनैप करके ले जाते हैं, तो प्रजा वर्ग की तो हालत ही क्या होगी। तो वो गुम कैसे लूटेगी बाबा? कैसे लौटावेगी और लड़ाई लड़ी जाती तो सब वापस आ जाती, सीता कैसे वापस आ गई? नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये झूठी बात है क्या? प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? हाँ जी, वो टाइम का आपको पता होगा क्योंकि आप ज्योतिषी है। 2008 चल रहा है ना, 2009 में तो प्रतिमा में आने का बात है, 2008 में जगदम्बा आना चाहिए। वो गुंताड़े बहते रहो क्या होता है तो देखेंगे ड्रामा। तो बाबा तो आपने संबंध बाप के साथ निभाना है, और संबंध बाप के साथ निभाना है। वेरी गुड। कोई भी संबंध का रस तुम्ही जाइए तो जन्म जन्मांतर और संबंध से वंचित रह जाएंगे। वंचित नहीं रह जाएंगे, तड़पते रहेंगे उस संबंध के लिए, उस संबंध का सुख लेने के लिए तड़पन होती रहेगी। बोला है तो प्रैक्टिकल में तड़पती नहीं होगी। हाँ, मन बुद्धि से संबंध होता है कि साकार कर्मेंद्रियों से संबंध होता है?
हाँ तो पति पत्नी की दृष्टि का पता नहीं लगता? नहीं लगता? लगता है तो नहीं हो सकता है। लेकिन बाप कहते हैं पहले अपना देवान त्यागो। क्या देवान माना? मैं पुरुष हूँ। हम सगरिया है, बाप खाने है। हाँ जी, लेकिन सुना है ऐसे कोई भी समुद्र का रोग नहीं लेंगे तो पुत्र का समुद्र, हाँ? तो वो पुत्र का समुद्र नहीं लेंगे लेंगे तो दापर तो लीजू उसका पुत्र ही नहीं बनेगा, ऐसे क्या? हाँ, तड़पना पड़ेगा उस संबंध में, तड़पना तृप्ति नहीं होगी जिसकी यहाँ बाप के साथ जिस संबंध में तृप्ति नहीं हुई वो वहाँ तड़पन पैदा हो जाएगी। चौरासी जन्म में ऐसा होगा क्या? चौरासी जन्म में 21 जन्म तो कहीं ऐसा होता है क्या? तो चौरासी क्यों बोल रहे, 63 जन्म की बात बोलो। उस संबंध में कमी आएगा क्या? बिल्कुल कमी रहेगी। वेद की रिद्धि सिद्धि और कुछ नहीं है, जो श्रीमत बताई है, जो विधि बताई है ईश्वरीय विधि, उस श्रीमत के अनुकूल चलने से ही रिद्धि सिद्धि यहाँ प्राप्त होती है। स्मृति में गैप नहीं पड़ना चाहिए, स्मृति में विचार नहीं आना चाहिए। हाँ जी, निरंतर मुझे याद करो, माम एकम याद करो। ऋषि मुनि योगी, हाँ मुनि कहते हैं मनन चिंतन मंथन करने वाले को, ऋषि कहते हैं पवित्र रहने वाले को, और योगी कहते हैं याद करने वाले को। जो योगी है वो सर्व सर्वोपरि है। विश्वामित्र ने योग से तपस्या से ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया और वशिष्ठ को हरा दिया। तो योगी कितना भी पतित हो लेकिन अगर पक्का योगी है तो सबसे आगे निकल जाएगा, चारों ही सब्जेक्ट में आगे निकल जाएगा, सबसे ऊंची ऋषि। ऋषि माना पवित्र रहने वाले, विजयमाला, उससे नीचे मुनि, मनन चिंतन मंथन तक रहने वाले। अंग्रेज बोला आया है तुम जो मुनि ऋषि है उससे भी देवता से बड़ा है मुनि ऋषि। फिर और एक स्थिति में आया है कि जब तुम मनन चिंतन करते हो तब तुम देवता के साथ संगम होता है। जब हम बच्चे मनन चिंतन करते हैं तब देवता के साथ संगम है, एक मुनि से ऐसी मिला है देवता का देश तो ऊंचा लगता है, लेकिन और एक मुनि में आया है कि देवता से तुम बच्ची मुनि ऋषि का देश बड़ा है क्योंकि देवता का शून्यकाल का ज्ञान नहीं है। इस समय कृष्ण की आत्मा
और ओम राधे की आत्मा, देवत्व पानी वाली आत्माएं हैं या योगी आत्माएं? देवत्व पाने वाली आत्माएं हैं। तो जो देवत्व पाने वाली आत्माएं हैं उन्हें प्योरिटी की पावर ज्यादा है, इसलिए उन्होंने देवत्व प्राप्त किया। बाकी ज्ञान में गहरी नहीं है, पहचान नहीं है, इसलिए संपन्न योगी भी नहीं है। संपन्न योगी बन जाएं तो दृष्टि की पावर से भी परे हो जाएं। त्रिकालदर्शी कहा जाए उनको। कृष्ण को जोगीराज कहते हैं, संगम भी कृष्ण जी। वो तो सारी बातें संगम भी कृष्ण की। और हाँ, कोई घर में जुगल और एक बच्चा ज्ञान में चलता है तो बाद में भाई लोग चोरी छोड़ देते हैं, तो उस घर में कोई संगठन चलेगा बाबा का? देखा जाता है स्थिति परिस्थिति, माता मैच्योर्ड है, उम्र ज्यादा है, समझदार है, तो गीता पाठशाला चालू रखी जा सकती है। माता की उम्र कम है, बच्चे छोटे छोटे हैं या होशियार नहीं है, तो गीता पाठशाला कैंसिल करनी पड़ेगी। संगठन भी कैंसिल हो जाएगा? अरे वो गीता पाठशाला का मतलब ही है उस घर में ही संगठन करना है जहाँ गीता पाठशाला है। जहाँ जहाँ घर में झगड़ा है वहाँ तो संगठन क्लास करना नहीं चाहिए, कभी विवाद पैदा हो सकता है। आपके बोलने दो शब्द है, आर्य और ज्ञान। आर्य और अनार्य। हाँ जी, आर्य। हाँ, आर्य माने सुधरे ले हुए, सुधरे हुए। अनार्य माने जो सुधरे हुए नहीं है, आज के मनुष्य मात्र, चाहे देव आत्माएं ही क्यों नहीं है, और सब अन सुधरे ले हैं, अनार्य हैं। अनार्य माने अनाड़ी, उन अनाड़ियों को आर्य बनाने के लिए बाप आया हुआ है। वो आर्य समाजी अपन को आर्य कहते हैं। आर्य समाज तो आया ही है अभी 100-150 वर्ष के अंदर, और आर्य तो बहुत पुरानी बात है, देवताएं ही आर्य थे। आर्य माना श्रेष्ठ। सत्तर वर्ष शूटिंग चलता है, उसके बाद आगे शूटिंग बंद हो जाती है, बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। क्या सुना है? मतलब ये है कि सुनने सुनाने की शूटिंग अलग, समझने समझाने की शूटिंग अलग, और प्रैक्टिकल करने और कराने की शूटिंग अलग होती है। बाकी ब्रॉड ड्रामा नहीं शुरू हो गया अभी, जब शूटिंग पूरी हो जाएगी तो ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाता है। ब्रॉड ड्रामा है 5000 साल का, और ये शूटिंग तो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। जो देवान में जीता रहेगा उसके लिए ज्ञान ज्ञान चलता रहेगा। अभी जो शूटिंग चल रहा है तो प्रैक्टिकल शूटिंग ना मान, प्रैक्टिकल अभी ज्ञान धारण किया है, प्रैक्टिकल ज्ञान धारण किया है, प्रैक्टिकल नहीं किया ना, तो प्रैक्टिकल होना है कि नहीं होना है? होना है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, आगे ज्यादा भी हो जाएगा। बाबा एक माता है नंद माता, तो बेसिक कोर्स हो गया, 1.5 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, एडवांस कोर्स भी मैक्सिमम समझ लिया है। अभी जब सुनता है कि बाबा आया है
तो रोते रहते हैं क्योंकि उनको जुगल मधुबन में भी एक बार आने नहीं दिया और गीतापाठशाला में भी जाने के लिए शांत नहीं देते हैं। तो उनको समझाओ कि पूर्वजन्म का हिसाब किताब तुम्हारा है या नहीं है, खुश रहो। इतना तो जान लिया है कि बाप आया हुआ है और उसका ज्ञान तुमको मिल रहा है, बाप ने तुमको उठाया तो है, दुनिया तो ऐसे ही भटक रही है, रोने की क्या दरकार है। तो बोले हमारा भट्टी कैसे होगा, आप बाबा से पूछिए। उनको बताओ जो विजयमाला की हेड है, लक्ष्मी बनने वाली है, उसी की भट्टी नहीं हुई है, तुम काहे के लिए बठियाए रही हो। वो रोना शुरू कर दे, भाग्यशाली समझो। हाँ जी, भाग्य बनेगा बाबा को याद करने और सेवा करने से। हाँ जी, रोते हुए बच्चे को बाप नहीं पसंद। अरे वो सूर्यवंशी बच्चे रोते हैं क्या फिर? है भगवान का अर्थ है भाग्यवान, जो सबसे ज्यादा भाग्यवान है वो ही भगवान है। क्या? हाँ जी, बाप दृष्टि देने से कोई पाप भस्म नहीं करते हैं। हाँ, दृष्टि देने से इतना है कि जिनको प्यार की दृष्टि मिलती है वो आत्माएं स्वतः ही ऊपर उड़ने लगती है, पहचान पूर्वक जिनको दृष्टि मिलती है उनका नशा चढ़ने लगता है, संग का रंग लगता है। दृष्टि से सृष्टि सुधरती भी है और दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती भी है। दृष्टि आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज भी है, सबसे जास्ती धोखा खाने वाला अंग है आंखें, लेकिन धोखेबाज से धोखा खाएंगी? या जो सच्चा बाप आया हुआ है वो धोखाबाज होगा? बाबा, ये भाई पूछता है सतयुग में कैसे पुकारेंगे उसको, एक दूसरे को कैसे पुकारेंगे? नाम होगा ना, तो वहाँ पर इशारा से बात नहीं होगा, वहाँ बोल बोल ज्यादा होती नहीं है, इशारे की भाषा होती है, दिल की बात दिलवर को समझ में आ जाती है, आँख का इशारा ही बहुत काफी है। अरे वहाँ तो पक्षी भी ऐसे ऐसे होंगे, उनको यूँ इशारा किया तो ऊपर उड़ेंगे, नीचे इशारा करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, यूँ इशारा करेंगे तो दाईं ओर, यूँ इशारा करेंगे तो बाईं ओर। जानवर भी इशारे को समझते हैं वहाँ, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। आज के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो ऑफिस में बैठना पसंद करते हैं कि क्लब में जाकर के मस्ती मारना पसंद करते हैं? है? तो यही मौज मस्ती होगी सतयुग में। हाँ, वहाँ क्लबों में देह अभिमान होता है, सतयुग में देह भान नहीं होगा, डांस करेंगे, संगीत गाएंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे, खेलेंगे। सबसे बड़ा महीना बाबा खाना बनाना और उसका जुगाड़ करना, उसका वो मेहनत से बाबा है वहाँ। सबसे बड़ी मेहनत तो पेट की चिंता नहीं, यहाँ पेट की चिंता के लिए मरे जा रहे हैं सब, इस पेट की भी वहाँ चिंता नहीं होगी और सुन पेट की भी चिंता नहीं होगी, प्रकृति सब कुछ मुहैया करेगी। भाषा देवताएं यहाँ जो देवात्माएं होंगी
वो बाप के पार्थिव के लिए जो मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में इशारे मिले हैं वो देवात्मा समझती हैं कि जो मनुष्य हैं वो समझते हैं या राक्षस समझते हैं। जो मनुष्य हैं राक्षस हैं वो तो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जो देवात्मा है वो समझ रही है। बाबा जो आप तो जो आत्मा थोड़ी जो दौड़ा है शरीर में रहता है चेतन होता है लेकिन जो अत्लांटिक महासागर में जो बड़ा मठ रहेंगे ना वो तो अपना पैर अपना झूल है वहाँ तो कैसे पावरफुल हो जाता है जो बड़ा बड़ा हवाई जहाज जहाज को आकर्षण कर लेते हैं तो जोड़ा है तो हद का बड़मूला ट्रेंगल है। बेहद का बड़मूला ट्रेंगल कहाँ है? बेहद का बड़ा मूला बड़ी जड़ कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जहाँ विशेष पार्ट बजाय रहा है और आत्माएं खिंच खिंच के चारों तरफ से भट्टी करने पहुंच रही है तो बड़ा मूला ट्रेंगल हो गया ना। आत्मा रूपी एरोप्लेन वहां पहुंचते हैं और गायब हो जाते हैं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया से। ऐसे ही जो जहाज हैं एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि जो चंद्रकांत वेदांत जहाज कहा जाता है वो भी वहां गुम हो जाएगा। बाबा एक मुरली में हम लोग पाया था कि गाज के तला रहना होगा गाज का फल खाना होगा ऐसा भी गाएगा मुरली में। अरे पहाड़ को पीठ कुर्सी बना देना क्या सोफा सेट नहीं मिलेगा? इतनी भीड़ भाड़ हो जाएगी। सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। अटैची के ऊपर सर रख करके सो जाना पड़ेगा। जमीन भी नहीं मिलेगा। अब पहाड़ को कुर्सी बनाने का मतलब क्या है? बड़ा मकान होगा आदमी के रहने के लिए। हाँ ऐसे नहीं कि दृष्टि देने से कोई के ऊपर कृपा हो जाएगी उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और अंगों से प्यार होता है तो लगाव लग जाता है ऐसे ही बाप की जो प्यार की दृष्टि है वो दृष्टि बच्चों को कशिश करेगी और याद आएगी ऑटोमेटिक। इसलिए बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब हुआ? नैन कोई बैठने की चीज है क्या? हाँ और दृष्टि के आकर्षण के आधार पर आत्माएं खींचेंगी। बाबा और तीखी दृष्टि देंगे ये भी तो बोले हैं। तो और वो तो प्यास नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो किसको नहीं लगेगा? जो बार बार क्षमा मांगे और बार बार वो ही कर्म करें बार बार पोता मिल दे और बार बार उल्टा काम करे तो उनको दृष्टि कैसी लगेगी? तीखी दृष्टि लगेगी। और बाबा आप सत्यजुग में जो आठ गद्य दिखाते हैं आठ आधान मत नारायण का तो इससे तो बोला गया कि सत्यजुग में सब गाय बुद्धि है फिर वो नारायण कैसे मानेंगे क्या है? गद्दी बद्दी की बात नहीं है। जो झाड़ का चित्र है या जो सीढ़ी का चित्र है
उसमें सतयुग में कोई गद्दी दिखाई गई है क्या? दिखा ना, लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं। अरे लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं झाड़ के चित्र में सतयुग में, या गद्दी पे बैठे हुए हैं? वहाँ खेलना खाना दौड़ना और क्या है, वहाँ गद्दी काहे की? सब सुधरे हुए हैं, शासन किसके ऊपर करेंगे? जहाँ अनुशासनहीनता होती है वहाँ शासन किया जाता है। वहाँ दो कला भी अनुशासनहीनता नहीं है, फिर शासन किसके ऊपर करेंगे? हाँ जी, रायल बुद्धू कहो, लेकिन सुखी तो है, रोते तो नहीं है। और हाँ जी, चलो ताजिया ठंडे।